भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में सबसे बड़ा उपयोग तुलसी पत्र का किया जाता है। तुलसी पत्र बाह्य प्रयोग के लिए बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। स्किन से लेकर के इम्यूनिटी पावर तक बढ़ाने के लिए, एलर्जिकल कंडीशन के लिए, सारी समस्याओं को दूर करने के लिए तुलसी का पत्र व्यवहार किया जाता है। इसका स्वरस जो है इतना फायदेमंद होता है जो कि स्किन में किसी भी तरह की एलर्जी हो या किसी तरह का कोई भी ऐसा बाहरी तत्व तो अगर शरीर स्किन पर आता है तो उसको दूर करता है। औरतें सुंदरता के लिए इसका प्रयोग करती हैं, कील मुहासे इससे दूर होते हैं, ब्लैक हेड्स आप समझते हैं कील मुहासा होता है, जिसको दूर करने के लिए ये तुलसी पत्र का स्वरस जो है बहुत ज़्यादा काम करता है। इसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं है और इससे कोई साइड इफेक्ट होता भी नहीं है। आप कुछ दिनों तक अगर तुलसी पत्र अपने चेहरे पर लगाइए, चेहरे की रंगत बदल जाएगी, चेहरा में निखार आएगा और सौंदर्य प्रसाधन की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। वैसे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि चेहरे में मुहासों को तो दूर करने के लिए अगर हम तुलसी पत्र का व्यवहार करते हैं तो ये और औषधियों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा काम करता है। इतना काम करता है जितना आश्चर्यजनक काम करता है। तुलसी का पत्र आप देखते हैं, तुलसी को हम लोग एक देवी देवता के रूप में मानते हैं। सभी लोग अपने आंगन में इसलिए रखते हैं, यह सबसे बड़ा कीटाणुनाशक होता है। इसका अगर हम आंगन में रखने का मतलब ये नहीं होता है कि हम ये वास्तव में देवी है, लेकिन अपने आंगन में अगर रखा जाता है तो उस पर जल चढ़ाने वाला जो प्रयोग होता है वो इसलिए होता है कि ये पौधा मरे नहीं, ये पौधा जिंदा रहे और सारे वातावरण को स्वच्छ करने के लिए या कीटाणुनाशक के लिए प्रयोग में ये काम किया जाता है। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही चमत्कारिक योग है और इससे बहुत सारे स्किन के योग भी बनाए जाते हैं जिससे कि सौंदर्य प्रसाधन में कोई दिक्कत नहीं होती है। स्किन पर जितने कील मुहासे हों या और भी छाई जैसा बहुत ऐसा चीज देखा गया है कि मेलनिन का जो गुण होता है, ब्लैकनेस जो आने लगता है, उसको भी दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और इसका प्रयोग औरतें ज़्यादा करती है पुरुष की अपेक्षा, इसलिए कि सौंदर्य की जरूरत औरतों को ज़्यादा होता है एक पुरुष से। दूसरी चीज, त्वचा में रंगत को, त्वचा में रंग रोगन के लिए ये इतना काम करता है जितना कोई औषध नहीं काम करती है। इसमें जो एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी इन्फेक्शन जो गुण होता है वो त्वचा को निखार लाता है और त्वचा में किसी भी तरह का बैक्टीरियल, वायरल या कोई और इन्फेक्शन नहीं होने देता है। ये बहुत ही मार्मिक चीज है और ये सभी लोगों के लिए, सभी वर्ग के लिए, सभी एज के लिए आवश्यक है। इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। अभी ऐसा कोई औषधीय प्लांट नहीं हुआ है जो कि इस तुलसी का मुकाबला कर सके। कैसे बनाएंगे तुलसी का स्वरस अगर बनाना? तुलसी का स्वरस बनाने के लिए बहुत आसान तरीका है। अगर हम चाहें तो अभी आजकल तो पहले जो तैयार किया जाता था सील पर इसको कूट पीस करके इसका स्वरस कपड़ा में छान करके निकाल लिया जाता था, लेकिन अब तो मैक्सी वगैरह में भी डाल करके इसका स्वरस बनाया जा सकता है। इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बनाने में कोई कठिनाई नहीं होती है। लेप भी लगाया जा सकता लेप है? भी लगाया जा सकता है। किसी भी तरह का स्वरस हो या लेप हो, किसी भी स्थिति में ये कारगर होता है। इसका पंचांग प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं कि तुलसी का माला जो बनाया जाता है एक दिमागी शांति के लिए बनाया जाता है। तुलसी से जो माला बनता है वो ये नहीं कि देवी देवता है उसको जपिएगा तो सीधा भगवान से भेंट हो जाएगा, लेकिन वो आपके हाथ में जितना देर रहेगा आपके शरीर के विकारों को वो निकालता है और आपका शरीर कभी दूषित नहीं होने देता है। कैसा हुआ?